नमस्कार ओडिया डेड रेसिपी को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत गोटे परफेक्ट जन्याळ उपस्थर रेसिपी मु आपनको स्टेप बाय स्टेप ए वीडियो रे देखै छी ताले देरी न करी चलन तो देखिबा रेसिपी टे आशा करू छी वीडियो टे आपनको निश्चय पसंद आसीबो जदि हां ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी हां आ गोटे कथा सब्सक्राइब कला परे साइड रे थिबा बेल आइकन टे को प्रेस करले मोर लेटेस्ट वीडियोस गुडी कर अपडेट आपण सर्वप्रथम पाई परिबे जन्याळ उपस्थ बनाया पे हमें प्रथमे गोटे पैन को गैस ऑन करके बसे देचे जेतले पैन टी ताती सेतरे हमें देचे 2 चम्मच खाइबा तेल बर्तमान हमर तेल टी भी ताती जाइचे एबे हमें गोटे मीडियम साइज आलू को चोपा छड़े के काटी देचे सही आलू को भाजीबा पे हम बर्तमान हमें पैन रे दे देचे सेतरे ऐड करचे अल्प किछि लूण लुण आड करिया द्वारा आलू टी जल्दी भाजी हो जाए और जल्दी भी सीझीज ताकू भल्ले एपट सेपट करके हल्का गोल्डन ब्राउन हाँ पर्यटन भाजीचे बर्तमान तीन चार मिनट हो जाए आलूर कलर भी काफी चेंज हो जाए देखता तो गोल्डन ब्राउन भी होगला बर्तमान आम कड़ेरू काढ़ीद गोटे जगह को दुईटी जहनि को आम चोपा छड़े बड़ बड़ कर नेक्स्ट आम फ्राइंग पैन रे दे देले ताको भाजवाई कि जहनि भाजला बेले लुण देवेनि कहीं जहनि रे बहुत बेसी पानी बाहर थाए आ लुण देले प्रॉपर्ली जहनि भाजी हुएनि तेणु जहनि भाजला आप लुण कवर करेंगे आ गैस रो फ्लेम मीडियम ही रखे देखते यहपर हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए जहनिटा भी प्रॉपर्ली आम भाजी जाइए ताकू आम गोटे जगह को काढ़ीदे बर्तन भजा हो गला आम आलू और जहनि नेक्स्ट से पैन रे आम गोटे चामच देदेले खाइबा तेल तेल टिके तातिलापर से दबा हाफ चामच कला जीरा जहनि आलू पोस्त में कला जीरा फुटे देखिए बहुत ही टेस्टी हम जहनि आलू पोस्त जितेबले कला जीरा टे फुटा स्टार्ट कर सही समय रे आम ताद गोटे मीडियम साइज प्याज को छोट छोट कर काटिके रखी थे एड करदे प्याज टा को बढ़िया सेपट सेपट कर भाजवा जपर्यंत यहाँ गोल्डन ब्राउन कलर न हो जाए देखते बर्तन आम पिज टी प्रपरली भाजी है गोल्डन ब्राउन कलर भी आसी जाइए बस यही पॉइंट रे ऐड कर दे हाफ चमच नाली लंका गुंड ताकू भी बढ़िया से मिसेक बर्तमान आम भाजीदे नेक्स्ट आम ऐड कले हाफ चमच हलदी गुंड बर्तन हलदी गुंड को भी आम मिसेद बर्तमान आम नहीं हाफ इंच अदा पांच कुला कंचा रसुण आउ दुईटी कंचा लंका यार गोटे फाइन पेस्ट आम बर्तमान याद बर्तन ये फाइन पेस्ट को आम आड करदे आम पैन रे पिज सहित भल भाव मिसे कसवा जपर्यंत यार कंचा गंध न जाए बर्तमान सब मसला गुड़िक आम भलट सेपट कर भाजी देचे तार कलर भी काफी चेंज हो जाए आम तेल आ मसला भी अलग हो गलानी जदि दरकार पड़े आवश्यक हिसाब से आपड़ किसी पानी भी एथेरे दे पारंते पानी देलापर ताक आउ थे मिसेक बढ़िया से आम कषिद मन रखिए मसलाटा जिते भलि कषे तरकारीटा से टेस्टी हे नेक्स्ट स्टेप रे आम नहीं जाइए दुई चामच पोस्त ताकूपर दुई घंटा आम आगु बतुर रखी थे गरम पानी एवं तार गोटे फाइन पेस्ट करी से मसला भितर ऐड कर दे बस पोस्त को कसा मसला सहित गोल आम आगु भाजिक रखी थी जहनि आलू को बर्तमान आड करदे सब गुड़िक बढ़िया से आम मिसेद पिठा गड़िका साहय सेपट करी
देबा आवश्यक हिसाब रे लुण लुण को भी पिठागड़िका साइज रे एपट सपट करी बढ़ा से मिसे देले नेक्स्ट हमें ऐड कर दो किछि पानी बर्तन पानी देला परे ताको भल भाव रे गोले दे हमें 5 मिनट पर्यंत ढांकुनी देके ताको छाड़ देबा बर्तन ढांकुन टिके खोले की आम तरकारी चेक करदे देखु बढ़िया से आम कलर भी आसी बहुत बढ़िया फ्लेवर बहुत बढ़िया स्मेल भी आसुचे आरकारी को बेस नुहे गोटे मिनिट पर्यंत जस्ट आम फुटेबा पाटा को आगे कमेबापी बस तरकारी गोटे मिनिट पर्यंत फुटलापर आम जहनी आलु पोस्त हो गला रेडीपर गोटे जहनी आलु पोस्त घरे बने गरम भात सहित खाई देखु सब बड़े यार टेस्ट मन रखे ताले आपण बनेला परे किपरि लागला तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे आपणक अनुभूति शेयर करे को भूलिबेनि ताले पुणी देखाबो ओडिया डेड रेसिपी आ गोटे नुवा रेसिपी रे सहित सेति पर्यंत मते दियंतु विदय टाटा बाय बाय ए फेस आइकन टिक क्लिक करी ओडिया डेड रेसिपी को सब्सक्राइब करंतु।